आइए आपको बताते हैं कैसे श्रावस्ती में एक गरीब के घर को बाबा के बुलडोजर ने अवैध समझकर गिरा दिया। बाबा का बुलडोजर मशहूर है, गरीब और अमीर नहीं देखता। ऐसे ही एक मामला श्रावस्ती के ग्रामीण क्षेत्र रामपुर ककरा गांव का बताया जा रहा है, जहां पर एक टीन सेट का घर बना हुआ था, जिस पर SDM भिंगा के मौजूदगी में बुलडोजर चलाया गया और देखते ही देखते टीन सेट के घर को जमीन पर धराशायी कर दिया गया। मामला श्रावस्ती जनपद के थाना भिंगा क्षेत्र रामपुर ककरा का है, जहां पर बाबा का बुलडोजर चल गया है। पीड़ित का कहना है कि टीन का घर हमारे पैतृक जमीन पर बना था, जिसका उनके पास दीवानी से स्टे भी है। मामले में मुकदमा न्यायालय पर विचाराधीन है, जिसके बाद भी घर को गिरा दिया गया है। वहीं जब इस संबंध में मीडिया द्वारा SDM परवेंद्र कुमार भिंगा से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि जो टीन का घर गिराया गया है, वह अवैध रूप से दूसरे की जमीन पर बना हुआ था। साथ ही उन्होंने कहा कि अवैध संपत्ति पर कब्जा ना करें, क्योंकि बाबा का बुलडोजर कार्यवाही करने में देरी नहीं करता। सर, हमारी जमीन में मैंने अपना टीन सेट रखा था, तो SDM साहब ने मना किया कि टीन सेट हटा लो। मैंने नहीं हटाया और उस जमीन का मुकदमा चल रहा था दीवानी में। उसका एक बार 2016 में ऑर्डर भी हो चुका है, फिर रिव्यू चल रहा है और अब उसका मैंने स्टे भी ले रखा था। और उसके बाद भी मैंने कागज़ जब दिखाया उनको, तो उन्होंने मना कर दिया, कह दिया कि हम कागज़ नहीं देखेंगे, हमको गिराना है बस। और गिरा के फिर चले गए वो धमकी उमकी दे के। कौन कौन थे उसमें? वहाँ पे परविंदर कुमार SDM साहब थे और संतोष कुमार अध्यापक, वहाँ रामपुर ककरा के अध्यापक हैं वो थे, और लक्ष्मण यादव और पप्पू यादव और एक नाम है धर्मपाल यादव, ये तीन लोग दलाल थे। और 5-6-7 लोग दबंग लोगों को लेके आए थे मास्टर साहब वहाँ कब्जा करने के लिए। तो हमारा टीन सेट गिरवा दिया है और उसके बाद वो लोग वहाँ से चले गए बुलडोजर लेके।